महाराष्ट्र के किसान लगातार हो रही भारी बारिश के कारण परेशान हैं। अत्यधिक बारिश के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। प्रदेश में कहीं सूखा किसानों को परेशान कर रहा है तो कहीं अतिवृष्टि। इन सबसे फसल बच जाए तो दाम नहीं मिल रहे। धुले जिला में भारी बारिश से प्याज की खेती बर्बाद हो गई है। किसान निराश है क्योंकि अब तक सरकार की ओर से मदद का कोई भरोसा तक नहीं मिला है। भारत में महाराष्ट्र प्याज की खेती और उत्पादन में अव्वल स्थान पर आता है। यहाँ साल में 3 बार प्याज की फसल होती है, पहला खरीफ, दूसरा खरीफ के बाद और तीसरा रबी सीजन। खरीफ सीजन में प्याज की बुआई जुलाई अगस्त महीने में की जाती है। खरीफ सीजन में बोई गई प्याज की फसल अक्टूबर दिसंबर में मार्केट में आती है। प्याज की दूसरी सीजन में बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इनकी कटाई जनवरी मार्च में होती है। तीसरी फसल रबी फसल है, इसमें दिसंबर जनवरी में बुआई होती है और फसल की कटाई मार्च से लेकर मई तक होती है। उत्पादन के साथ साथ यहाँ सबसे ज़्यादा प्याज मंडियाँ हैं, इसलिए यहीं से प्याज के दाम की दिशा तय होती है। महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा, कर्नाटक, यूपी, बिहार और राजस्थान में भी इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। यहाँ से कई देशों से इसका निर्यात भी किया जाता है। लेकिन अब देख रहे हैं कि प्याज किसानों को उनकी प्याज के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। जो प्याज की जो उनकी फसल है जो इस वक्त खेतों में सड़ रही है बारिश के कारण, और अगर थोड़ी बहुत बच भी जा रही है तो उसके वाजिब दाम अभी किसानों को मंडियों के अंदर नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों को प्याज की लागत निकालनी भी मुश्किल पड़ रही है। और इस समय कुछ त्योहारी सीजन भी ऐसे हैं जहां पर प्याज की जो खपत है वो थोड़ी कम होती है, जैसे कि सावन अभी ख़त्म हुआ है, फिर श्राद्ध, फिर नवरात्रे, तो इन सीज़न में, इन फेस्टिव सीज़न में प्याज की जो खपत है वो थोड़ी कम हो जाती है। और दूसरा, अभी किसानों को लागत भी नहीं मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।